दोस्तों मैं बोल बोल थक गया। लोगों से हमेशा अपने वीडियो में यही रिक्वेस्ट करता था कि कभी भी डोमेन या फिर होस्टिंग परचेस करने से पहले एक ट्रस्टेबल कंपनी को चूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सही कंपनी और एक ट्रस्टेबल कंपनी से अगर हम डोमेन और होस्टिंग बाय करते हैं तो वो हमारे लिए लाइफ लॉन्ग बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आज मैं आपको ऐसी एक स्टोरी बताऊंगा कि कैसे एक होस्टिंग प्रोवाइड कंपनी, मतलब जो डोमेन और होस्टिंग लोगों को प्रोवाइड करते थे, जहाँ पर लाखों रजिस्टर्ड डोमेन थे और हजारों की संख्या में होस्टिंग थी और ईमेल सर्विस प्रोवाइड कंपनी, कैसे बंद हो चुकी है। और अब जिन लोगों ने वहाँ से होस्टिंग और डोमेन परचेस किया था या फिर अपने बिजनेस ईमेल अकाउंट बनाए थे, उनका क्या होने वाला है। यहाँ तक कि उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि ये कंपनी पूरी तरह से बैंक करप्ट हो चुकी है और बंद हो चुकी है। इसके बिजनेस और इसका कार्यालय, इसकी वेबसाइट और इसकी सर्विस सब कुछ बंद हो चुकी है। यहाँ तक कि इसके जो कस्टमर केयर जो अधिकारी थे वो भी कॉल अटेंड करने की स्थिति में नहीं है। ये मतलब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अब उन जिन लोगों ने यहाँ से डोमेन और होस्टिंग परचेस करी थी, जिन्होंने खरीदी थी, अब उन लोगों का क्या होने वाला है, इस वीडियो में कंप्लीटली सबके बारे में बताएंगे। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक सीख भी मिलेगी कि आप हमेशा कभी भी अपना ब्लॉग या फिर वेबसाइट बनाने से पहले जब भी आप डोमेन या फिर होस्टिंग किसी से कंपनी से लेते हैं तो आपको ये देख लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि वो कंपनी ट्रस्टेबल है या नहीं, उस पर भरोसा किया जाए या नहीं, या वो फ्रॉड तो नहीं है, और क्या हमारा पैसा या फिर हमारा डोमेन कहीं आगे जाके कहीं खत्म ना हो जाए। तो कंप्लीटली इस वीडियो को देखेंगे और इस केस स्टडी के बारे में जानेंगे। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार चंदेल और आप देख रहे हैं पैसा वर्सेस मनी यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कर देना, चलो देखते हैं। दोस्तों ये बात हो रही है नेट फॉर इंडिया कंपनी की। नेट फॉर इंडिया कंपनी जो कि एक डोमेन प्रोवाइड कंपनी थी, यहाँ तक कि होस्टिंग प्रोवाइड भी कंपनी थी, जहाँ पर लाखों मिलियन में हजारों की संख्या में डोमेन और ईमेल अकाउंट रजिस्टर्ड थे नेट फॉर इंडिया में, वो बंद हो चुकी है। दोस्तों इसकी पूरी डिटेल में मैं बताऊँ तो नेट फॉर इंडिया एक इंडिया बेस्ड कंपनी थी जो कि दिल्ली में इसका हेड ऑफिस था, और यह कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी डोमेन प्रोवाइड कंपनी थी। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और यहाँ स्टार्टिंग में नेट से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करवाती थी, लेकिन इसने कुछ साल बाद ही डोमेन रजिस्टर्ड कंपनी बन चुकी थी, और लाइक जैसे गोडेडी है या फिर नेमचीप है, इस टाइप की डोमेन प्रोवाइड कंपनी थी। इस पर मैं बता दूं आपको 375,000 से ज़्यादा डोमेन रजिस्टर्ड थे, और अब ये कंपनी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। यहाँ तक कि इस पर 90,000 से ज़्यादा होस्टिंग थी जो कि अलग अलग वेबसाइट और ब्लॉग चलाने वाले लोगों ने ली थी, और 3.5 लाख मतलब 375,000 से ज़्यादा डोमेन रजिस्टर्ड होना कितनी बड़ी बात है दोस्तों अपने आप में। और यहाँ तक कि अगर इस पर बिजनेस ईमेल की संख्या बताओ तो 1.5 मिलियन से ज़्यादा, 1.5 मिलियन से ज़्यादा बिजनेस ईमेल अकाउंट थे यहाँ पर। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इसका बिजनेस फैला हुआ था और ये अचानक बंद हो चुकी है। और ये बंद भी हुई तो ना तो इसने अपने डोमेन जो कस्टमर थे, ना अपने होस्टिंग कस्टमर, और ना ही ईमेल अपने जो कस्टमर है उनको किसी को नहीं बताया। यहाँ तक कि पूरी तरह से ये बंद हो चुकी है और अब उनके जो डोमेन और होस्टिंग और ईमेल अकाउंट है वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। ना तो डोमेन काम कर रहा है, ना होस्टिंग काम कर रही है, और ना ही ईमेल अकाउंट काम कर रहा है। और जब ये लोग उस कंपनी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं नेट फॉर इंडिया से, तो उसका पूरा कॉल सेंटर ही बंद हो चुका है। यहाँ तक कि वेबसाइट पर भी पूरी तरह से शट डाउन बना हुआ है, यहाँ तक कि कोई जवाब देने वाला तक नहीं बचा हुआ है। आपको मैं बता दूँ ये इंडिया की सबसे बड़ी डोमेन कंपनी थी जो कि दिल्ली में हेड ऑफिस था। आपको बताऊँ तो इस कंपनी पर 375,000 से ज़्यादा डोमेन थे। अब ये डोमेन क्या कर रहे हैं, अब मैं अगर आपको स्थिति बताऊँ तो ये डोमेन अगर दूसरी डोमेन कंपनी पर अपना डोमेन ट्रांसफ़र कर रहे या फिर होस्टिंग ट्रांसफ़र कर रहे तो वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ भी सर्विस चालू नहीं है और किसी भी प्रकार की सर्विस पूरी तरह से इसने बंद कर दी है। ये स्थिति है नेट फॉर इंडिया की। हालांकि अभी जितने भी इसके डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड कस्टमर थे उन
लोगों ने रिक्वेस्ट की है शासन से और प्रशासन से, इसके बारे में बात करी है और सरकार ने हालांकि भरोसा दिया है। जो कि इसका संस्था है ICAC, जो कि इसकी संस्था है, उसने बताया है कि ICA के आप इस पर शिकायत कर दीजिए और आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो सरकार के द्वारा सॉल्व की जा रही है। हालांकि अभी सरकार इसके ऊपर चेती है, जब इसके डोमेन कस्टमर ने जब इसकी रिक्वेस्ट करी तो अब सरकार चेती है और इसके बारे में एक व्यापकता बनाई जा रही है और देखते हैं फिर इसके बाद अब क्या होता है। हालांकि सरकार ने ज़रूर इसके बारे में बोला है कि कोई सी भी इंडिया की कंपनी है वहाँ पर इनके डोमेन ट्रांसफ़र कर दिए जाए और होस्टिंग ट्रांसफ़र कर दी जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि बगैर कंपनी या फिर बगैर कंपनी की बिना अनुमति के कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। इसमें कंपनी को ज़रूर इन्वॉल्व होना होगा। और ये कंपनी कैसे बैंक करप्ट हुई, कैसे इसकी पूरी प्रोसेस, तो मैं आपको बताता हूँ। ये कंपनी 1985 से चालू हुई थी, इसके बाद इसको अभी हाल ही में 200 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हुआ था, 200 करोड़ से ज़्यादा राजस्व घाटा होने के बाद ये बैंक करप्ट हुई है। हालांकि ये BSE और NSE में लिस्टेड कंपनी थी, जो कि शेयर बाजार से अच्छा पैसा भी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी और शेयर बाजार से भी इसने IPO के जरिए पैसा उठाया था, लेकिन हाल ही में NSE और BSE से भी इसको डिलीट कर दिया गया था, मतलब बाहर कर दिया गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घाटा दे रही थी कंपनी और इसके शेयर धारक ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए थे और इसी कारण इस कंपनी का पूरा दिवालिया हो चुका है। अगर आपका भी नेट फॉर इंडिया पर डोमेन है या फिर होस्टिंग है तो आपको भी इसके बारे में सजेस्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आपका डोमेन या होस्टिंग अभी चल रहा है तो तुरंत उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए किसी दूसरी अदर होस्टिंग या डोमेन कंपनी के ऊपर, और अगर नहीं चल रहा है तो आप अप टू डेट इस चैनल के साथ बने रहिए। हम नेट फॉर इंडिया से जुड़ी हुई हर खबर को कवर करेंगे और आपको जितना हो सके हेल्प करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अप टू डेट मेरे बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि नेट फॉर इंडिया से रिलेटेड जो भी न्यूज आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इससे जुड़ी हुई जितनी भी कवर है, खबरें, वो आप सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब या फिर गूगल पर खोजबीन करते रहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी आपके पास जानकारी आती है तो उसको सुनना और उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर एक समय निकल गया तो उसके बाद फिर अगर आपका डोमेन और होस्टिंग या फिर ईमेल अकाउंट इस कंपनी के ऊपर है तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो सकते हैं और आपका डोमेन या फिर वेबसाइट पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ये भी होस्टिंग प्रोवाइड कंपनी थी, डोमेन परचेस कंपनी थी, डोमेन ले सकते थे यहाँ से, तो देखिए दिवाला हो चुका है। तो आखिरी इस वीडियो के जाते जाते यही कहूँगा कि मैंने फिर से एक बार दोहराऊँगा कि आप कभी भी होस्टिंग या फिर डोमेन खरीदने से पहले ट्रस्टेबल कंपनी का ही डोमेन और होस्टिंग बाय करें, हर किसी कंपनी से नहीं करें। और हमेशा ध्यान रखें कि चीपेस्ट होस्टिंग कंपनी या फिर सस्ती होस्टिंग कंपनी या फिर डोमेन कंपनी के लालच में ना आए और एक प्रॉपर अच्छी कंपनी देखें, क्योंकि ट्रस्ट सबसे बड़ा है। आज आप मेहनत करते हैं और अपना ब्लॉग या वेबसाइट पर काम करते हैं और आने वाले समय में ये बंद हो जाती है कंपनी, तो आपको कितना ज़्यादा समय का और अपने पैसों का नुकसान होगा, तो ये ध्यान रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आप समझ गए होंगे नेट फॉर इंडिया डोमेन और होस्टिंग कंपनी थी, इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी रहेगी वो मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। और इसके अलावा आप चाहे तो सरकार की एक ऑफिशियली जो एक मंत्रालय है ICANN, ठीक है, मुझे तो उसका सही से नाम नहीं आ रहा है लेकिन ये सही है ICANN, यहाँ पर आप जाके जो भी इससे जुड़ी हुई खबर देख सकते हैं और जानकारी प्रोवाइड करवा सकते हैं। और यही बोर्ड आपको आपका डोमेन और होस्टिंग अगर फंस गया है तो उसको दिलवाने में मदद करेगा। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था और इससे जुड़ी हुई जो भी कवरेज रहेगी मैं आपको अप टू डेट देता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। और जय हिंद।